हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम मेड सैनिटाइजर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ गई है। आप देखेंगे कि मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल नहीं रहा सैनिटाइजर, और जो मिल रहा है वो काफी महंगा मिल रहा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम मेड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर बनाने के लिए मैं सिर्फ तीन चीजों को यूज करूंगी। फर्स्ट अल्कोहल, क्योंकि जो सैनिटाइजर होता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। सेकंड एलोवेरा जेल, एंड थर्ड एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल सभी को सूट नहीं करता, तो यहाँ पर आप कोई एसेंशियल ऑयल की जगह या तो कोई बॉडी ऑयल यूज कर सकते हैं, या ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं, या विटामिन ई का कैप्सूल यूज कर सकते हैं। और अल्कोहल मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पे आपको रबिंग अल्कोहल करके आराम से मिल जाएगा। 30-40 रुपीस की बॉटल आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। या आपके घर में कोई जैसे वोडका हो, या इस तरह से कोई भी अल्कोहल आपको हो, कलरलेस होना चाहिए, उसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कितनी क्वांटिटी लेते हुए आपको बनाना। सैनिटाइजर बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्पून का मेजरमेंट ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 स्पून मैंने अल्कोहल लिया है। अल्कोहल आप कोई भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से रबिंग अल्कोहल मिलता है, या फिर जैसे मैंने आपको दिखाया वोडका वगैरह आप यूज करते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रबिंग अल्कोहल यूज करते हैं तो उसमें आपको पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वोडका वगैरह कुछ ऐसा ले रहे हैं तो उसमें आपको वाटर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम प्योर अल्कोहल होता है तो उसमें थोड़ा आपको मिनरल वाटर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने आप 2 स्पून अल्कोहल लिया है, और यहाँ पर सेकंड है मैंने यहाँ लिया है एलोवेरा जेल 1 स्पून। ये 1 स्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इसको अच्छे से आप मिक्स कर ले। और थर्ड होता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल सभी को स्किन पर सूट नहीं करता, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं इस तरह से, वो यूज कर सकते हैं, कोई बॉडी ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अभी यूज कर रही हूं। बेसिकली एसेंशियल ऑयल का वर्क जो होता है वो फ्रेग्रेंस के लिए होता है, एंड ऑयल होता है तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और आपके जो आप जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको प्रिजर्व करने में आपकी हेल्प करता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजर के लिए एक विटामिन ई का कैप्सूल यहाँ पर पूरा डाल रही हूँ। आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप उसको 1 वीक के लिए बना के रख सकते हैं। ये आपका 2 से 3 डेज के लिए आराम से चलेगा, और आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले। और आप एसेंशियल ऑयल की जगह, या फिर इस तरह से मैंने बताया था, आप ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली फंडा होता है कि आपके हैंड को मॉइस्चराइज करती हैं ये सब चीजें। तो इस तरह से ये देखिए आपका बनकर रेडी हो जाएगा, और आप किसी भी एम्प्टी बोतल में, जैसे भी कोई हैंड वॉश की बोतल हो उसमें बना करके रख सकते हैं, और अपने साथ कहीं भी ले जा करके इसको यूज कर सकते हैं। और बनाइए और यूज करिए होम मेड सैनिटाइजर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके और सभी को ये जानकारी मिल सके।